इन्होंने किया है बीएससी इकोनॉमिक्स, इसमें मैथ इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए हैं, एमए इकोनॉमिक्स की हुई है। मैथ मेजर सब्जेक्ट है, अगर आप एमए इकोनॉमिक्स की हुई है तो आपका मेजर जो सब्जेक्ट है मैथ्स ही बनेगा, साथ में इकोनॉमिक्स इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपने पीजीटी ये की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो ये आप पीजीटी के लिए एलिजिबल बन गए बीएड करके, और मैथ के करके आप टीजीटी के लिए एलिजिबल बन रहे हो। अगर आप एमएससी मैथ्स कर लेते हो फिर उसके बाद आप पीजीटी के लिए मैथ्स के लिए भी एलिजिबल बन जाओगे। अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो ब्रॉड, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है आपको एमए इकोनॉमिक्स की हुई है, तो एसएसटी के लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में शिफ्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के साथ आपको एसएसटी मिल जाती है, लेकिन आपको एडिशनल सब्जेक्ट जो है बीए के करने पड़ेंगे 3 साल के, जिसके लिए 8 महीने लग जाते हैं आराम से, फिर आप एलिजिबल हो गए एसएसटी के लिए। और इसके साथ आप लैंग्वेज ले सकते हो, लैंग्वेज मैथ्स के साथ लैंग्वेज, जहाँ इकोनॉमिक्स के साथ लैंग्वेज है ना, लेकिन वो सजेस्ट नहीं करता, ये भी मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये दोनों करने के बाद बेस्ट एलिजिबल बन रहे हो। अगर बाद में स्कोप को इंक्रीज करना चाहते हो तो लैंग्वेज कोई लेके जो जनरल पंजाबी है उसका भी एडिशनल बीए का 3 साल का आपको देना पड़ेगा, फिर आप एलिजिबल हो गए। तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है मैथ इकोनॉमिक्स, मेजर आपका मैथ्स ही रहेगा, इकोनॉमिक्स क्योंकि आपने ये की हुई है इसलिए कंप्यूटर साइंस जो है आप डिस्करेज कर सकते हैं, बाद में बीएड करने के बाद कंप्यूटर साइंस का पेडागोजी का दे सकते हो एडिशनल पेपर, फिर आप कंप्यूटर साइंस के लिए भी एलिजिबल बन जाओगे। लैंग्वेज को चूज मत कीजिए। थैंक यू।